हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ डोमिनार में प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक्चुअली दो तीन प्रॉब्लम इसमें मैंने फेस की आफ्टर सच पास राइड। एक तो प्रॉब्लम ऐसी है जो सच पास राइड से पहले ही थी। एक्चुअली क्या था, जब बाइक की मुझे डिलीवरी मिली थी तब इसका जो ब्रेक ऑयल बॉक्स है वो ब्रोकन था। जब हमने शोरूम में बोला था, उन्होंने बोला था कि जब आप फर्स्ट सर्विस कराएंगे तो आपका चेंज हो जाएगा, बट फर्स्ट सर्विस जब हम कराने गए तो वहाँ पे उस समय चेंज नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय था नहीं। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि उसको चेंज कराना। दूसरी प्रॉब्लम ये है, जब बाइक को ज़्यादा स्पीड में चलाते आरपीएम ज़्यादा हो जाते हैं तब इसमें एक इंडिकेटर आने लगता है, वो भी दिखाना है कि वो क्यों हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाइक कंटिन्यू चलाते रहो तो उसके बाद भी वो इंडिकेटर नहीं जाता, बाइक बंद करके ऑन करो उसके बाद भी वो इंडिकेटर नहीं जाता, एक दो दिन बाद अपने आप चला जाता है। तो उसको वो भी दिखाना है कि इसका क्या रीज़न है, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम दिखाने के लिए अभी हम शोरूम जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सर्विस सेंटर। मेट्रो की कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड पूरी तरह से जो है ना ख़राब हो रखी है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है। दोनों तरफ आप देखेंगे कंटिन्यू काम चलता रहता है। और ये है कानपुर मेट्रो का फर्स्ट फेज़ का काम, आईआईटी कानपुर से लेकर के मोती झील तक। और इस फर्स्ट फेज़ को कंप्लीट होने का जो टाइमलाइन है वो है 2021। और जिस स्पीड से इसका काम हो रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि आराम से ये कंप्लीट कर देंगे। एक जगह मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कानपुर मेट्रो की कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसकी जो स्पीड है वो अब तक जितनी भी मेट्रो जहाँ कहीं भी बनी है इंडिया में, जितनी भी मेट्रो लाइंस हैं उन सब में सबसे फास्ट कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो चलिए बढ़िया है, मिलते हैं आपसे शोरूम में। तो अभी हम लोग आए हैं बजाज के सर्विस सेंटर पे और यहाँ पर जो ये इसकी प्रॉब्लम, ये जो ये टूटा हुआ था तो जब हमने डिलीवरी ली थी तभी टूटा था, तो उसको चेंज करवाने के लिए आए हैं। बट यहाँ पे जैसे ही बोला कि ये वारंटी में, तो तुरंत इन्होंने बोल दिया चेंज करवाने के लिए। तो अभी इसको चेंज करवाते हैं। अभी ब्रेक ऑयल डाल दिया है और इसकी सर्विस भी ड्यू होने वाली है, तो जल्दी हमें सर्विस भी करानी पड़ेगी। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो इस बाइक में एक प्रॉब्लम और लगी है, वो मैं कहीं पे रोक के आपको बताऊंगा। एक प्रॉब्लम जो मैंने सचपास में फेस की थी इस डोमिनार 250 में वो ये है कि जब इसको ऑन कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ये इंडिकेशन है, ये है इंजन माल फंक्शनिंग या फिर इंजन ओवरहीट, इस तरह की कोई प्रॉब्लम इंजन में तब आ तक। तो होता क्या था, और जब इसको ऑन कर देंगे बाइक को तो ये अपने आप चले जाएंगे, लेकिन ये जो इंडिकेशन है ये बीच बीच में चलती हुई बाइक में ऑन हो जा रहा था और कभी कभार अपने आप चला भी जाता था, मतलब कभी कभार अपने आप आ गया और कभी कभार चला जाता है। यानी कि इंजन माल फंक्शनिंग का जो ये इंडिकेशन है ये उस समय शो कर रहा था। जब हाईवे पे थे, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे पे हो हम लोग, चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हो, कहीं पे भी थे तो ये बीच बीच में जल रहा था। और बेसिकली ये जलता कब था, जब बहुत ज़्यादा हम लोग हाई स्पीड में होते थे, अब 100-120 कंटिन्यू अगर चलाते रहे तो बीच बीच में ये जल जाता था। तो ये चीज़ भी मैंने अभी सर्विस सेंटर में इनसे बोली थी कि ये इशू आ रहा है, तो उन्होंने ये बोला है कि अगर ये आपको प्रॉब्लम दोबारा आती तो आप बाइक लेके आ जाइए, क्योंकि अभी जब चेक किया तो इस तरह का इशू नहीं आ रहा था। बट मैंने सोचा कि ये दोनों इशू आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हुई डोमिनार में, इस तरह की हो सकता और भी लोगों जिनके साथ भी ये इंजन वाली प्रॉब्लम आ रही हो। और उसके अलावा अगर मैं इसमें कोई प्रॉब्लम की बात करूँ तो फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है किसी तरह का। अब बात करते हैं इसके एवरेज के बारे में। तो इसका जो एवरेज मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, हाईवे पे जो मुझे मिला है वो 29-30 मिला है और सिटी में जो मिला है वो मिला है 31-32। तो अगर कोई भी क्लेम करता है कि इसका एवरेज ज़्यादा है या कुछ भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि जो डोमिनार 400 है उसमें एवरेज के लिए इंडिकेशन दिया जाता है, इसमें मीटर में आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, एवरेज आपका टाइम टू टाइम बताता रहेगा। बट ये जो डोमिनार 250 है इसमें आपके दो चीज़ें नहीं है, एक तो एवरेज नहीं बताएगा और दूसरा जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर है वो नहीं है कि आपकी गाड़ी किस गियर में चल रही है,
वो इसमें नहीं है, वो मिलेगा आपको डोमिनार 400 में ही। इसमें सिर्फ आपको न्यूट्रल इंडिकेटर दिया हुआ है, न्यूट्रल दिखाएगा, उसके बाद कौन से गियर में बाइक है वो नहीं दिखाएगा, वो आपको मिलेगा डोमिनार 400 में। उसके अलावा जो एवरेज का ऑप्शन है वो भी इसमें नहीं है, डोमिनार 400 में है। तो इसके लिए एवरेज कैलकुलेट करना या माइलेज वगैरह निकालने के लिए अलग से ही आपको करना पड़ेगा। अब एक इन्फॉर्मेशन और डोमिनार से रिलेटेड, या फिर आप ये कह सकते हैं फ्यूल इंजेक्टर बेस्ड जो नई बाइकें आ रही हैं उससे रिलेटेड, कि नॉर्मली जो हमारी पहले की बाइक्स होती थी उसमें हम एवरेज के लिए अगर फ्यूल जीरो भी कर लिया, पूरा टैंक खाली करने के बाद हम 1 लीटर पेट्रोल डाल के जहाँ तक भी चलती थी वहाँ गाड़ी बंद होने के बाद हम कैलकुलेट कर लेते थे इतने किलोमीटर चल गए। आप इस बाइक में ऐसी गलती कभी ना करें, या जो भी फ्यूल इंजेक्टर बेस्ड बाइक होती है उसमें ये गलती कभी ना करें। रीज़न क्या है कि इसमें फ्यूल पंप होता है, और अगर इन केस आपने कंप्लीट फ्यूल ख़त्म हो गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, नॉर्मल बाइक जो जिसमें कार्बोरेटर लगा रहता था उसमें क्या था, फ्यूल ख़त्म होने के बाद आप फ्यूल डालेंगे दोबारा स्टार्ट हो जाती थी, बट इसमें ये हो सकता है कि आपका पंप ख़राब हो जाए। तो कभी भी 1 लीटर पेट्रोल लेके या पेट्रोल अलग से डाल के आप इसका अगर एवरेज या किसी तरह की कोई मेज़रमेंट करना चाहते हैं तो वो भी ना करें। और दूसरा, आप ये भी इंश्योर कर लें कि आपकी बाइक में कभी भी पेट्रोल पूरी तरह से ख़त्म नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि इसका जो टैंक है इसमें जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर जब सारे दिखने बंद हो जाएंगे, मतलब जीरो अगर एम्प्टी दिखा रहा है, इसका मतलब होगा कि इस बाइक में तब भी 3.5 लीटर पेट्रोल रहेगा, यानी कि अप्रॉक्स 100 किलोमीटर अबव 100 किलोमीटर ये बाइक जा सकती है एम्प्टी टैंक, अगर यहाँ पे इंडिकेटर में शो कर रहा है उसके बाद भी। तो आप टॉपअप करवा लें, बट आप ऐसा कभी भी ना करें कि आप बिल्कुल भी इसमें पेट्रोल नहीं डलाया है और वो 3.5 लीटर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पंप ख़राब हो जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपको वीडियो एंड करने से पहले दे दूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।